दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बीते शुक्रवार यानी 11 अगस्त को दो बड़े सुपरस्टारों की दो बड़ी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। एक तरफ थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2, तो वही दूसरी तरफ थी बॉलीवुड के सबसे बड़ा एक्शन हीरो सनी देओल की गदर 2। और ये दोनों ही फिल्में फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। और जिस तरह से गदर 2 ने सिनेमाघरों में तहलका मचा रखा है, पूरे हिंदुस्तान की जनता जिस तरह से गदर 2 को पसंद कर रही है वो काबिले तारीफ है। लेकिन फिलहाल हम इसी वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं ओ माय गॉड 2 और गदर 2 फिल्म के पूरे 9 दिनों के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन के बारे में। और ये दोनों फिल्में पहले 9 दिनों में पूरे इंडिया के अंदर कितनी कमाई की और वर्ल्ड वाइड कितना कलेक्शन रहा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही या फिर फ्लॉप हुई, और या इसका बजट कितना था, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप भी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और बॉलीवुड के एक्शन हीरो सनी देओल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। सबसे पहले बात करेंगे ओ माय गॉड 2 की। तो ओ माय गॉड 2 की इंतजार फैंस को बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अक्षय कुमार की इससे पहले लगातार बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लेकिन ओ माय गॉड 2 की जो पहला पार्ट था वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा हिट हुआ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया था। और इसकी वजह से फैंस को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं ओ माय गॉड 2 ने में अक्षय कुमार ने कुछ नया किया होगा और ये फिल्म शानदार होगी, और ठीक वैसा ही हुआ और उम्मीदों पर खड़े उतरे अक्षय कुमार। और बावजूद इसके कि गदर 2 का पूरे तूफान इंडिया के अंदर चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओ माय गॉड 2 का जो कलेक्शन है, ओ माय गॉड 2 जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस कर रहा है वो वाकई काबिलियत तारीफ है। अगर हम बात करें फिल्म के 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले हम आपको बता दें अमित राय के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी, जिसका बजट लगभग 150 करोड़ रुपये का था। फिल्म में हमें अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम नजर आए हैं। फिल्म को इंडिया के अंदर सिर्फ 2500 स्क्रीनों में रिलीज किया गया है। फिल्म ने अपने पहले दिन 10 करोड़ 26 लाख रुपए इंडिया से कमाई थी, तो वही दूसरे दिन का कलेक्शन था सैटरडे का 15 करोड़ 30 लाख रुपए का था। तो फिर तीसरे दिन संडे को फिल्म ने कमाया था 17 करोड़ 55 लाख रुपए। और अगर हम बात करें चौथे दिन की, 12 करोड़ 6 लाख रुपए चौथे दिन कमाई थी। पाँचवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 17 करोड़ 10 लाख रुपये का। इस दिन 15 अगस्त वाला दिन था और छठवें दिन फिल्म ने कमाए थे 7 करोड़ 20 लाख रुपए। और सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 5 करोड़ 58 लाख रुपए। और अपने पहले 7 दिनों में ओ माय गॉड 2 85 करोड़ 7 लाख रुपए इंडिया से नेट कर चुकी थी, तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 121 करोड़ रुपए हो चुका था। और उसके बाद आठवें दिन फिल्म का 6 करोड़ रुपए की कमाई की। और हम बात करें फिल्म के 9वें दिन के यानी कि आज के दिन की, आज फिल्म का दूसरा सैटरडे है और आज 9वां दिन चल रहा है। आज पूरे इंडिया से 8 से 9 करोड़ रुपए कमा रही है। और फिल्म का जो 9 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा वो 99 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए आज पक्का हो जाएगा। तो वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है 144 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। और वाकई हम कहेंगे ये काबिले तारीफ है। और अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन हम इसके बाद बात करेंगे गदर 2 की। गदर 2 ने जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर गदर मचा रखा है वो देखने लायक है। बॉलीवुड की या साउथ की कभी भी किसी भी फिल्म इतना बढ़िया परफॉर्म करते हुए आपने नहीं देखा होगा जिस तरह से गदर 2 कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 फिल्म बने और ये इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बने। और ठीक वैसा हो भी रहा है, क्योंकि ये ऐसा हो भी रहा है क्योंकि अब तक ये कई बड़े फिल्मों को पीछे छोड़ चुका है। हालांकि बस एक दो फिल्में ही बची है कि अभी भी गदर 2 से आगे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इन सभी फिल्मों को भी पीछे छोड़ देगा। और हम बात करेंगे पूरे 9 दिनों में गदर 2 फिल्म के टोटल कलेक्शन की। अनिल शर्मा के प्रोडक्शन में बना हुआ है ये गदर 2 फिल्म, जिसका बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का था। और फिल्म में हमें सनी देओल के साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा अहम किरदार में नजर आए हैं। और फिल्म को इंडिया के अंदर सिर्फ 3800 स्क्रीनों में रिलीज किया गया है। लेकिन 3800 स्क्रीनों में रिलीज होने के बाद कभी भी बॉलीवुड इतिहास में कभी भी फिल्म इतनी कमाई नहीं की, चाहे वो कितनी बड़ी सुपरस्टार क्यों ना हो, जो गदर 2 ने किया है। तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो अपने पहले दिन में गदर 2 ने 40 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे पूरे इंडिया के अंदर। दूसरे दिन सैटरडे का कलेक्शन रहा इंडिया के अंदर
43 करोड़ 8 लाख रुपए और तीसरे दिन संडे के दिन कमाए थे फिल्म ने 51 करोड़ 17 लाख रुपए। तो अपने पहले तीन दिनों में गदर टू ने अपने वीकेंड पर 134 करोड़ 58 लाख रुपए इंडिया से नेट कमाई कर चुकी थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 175 करोड़ रुपये हो चुका था सिर्फ तीन दिनों में। तो चौथे दिन फिल्म ने कमाए थे 38 करोड़ 17 लाख रुपए, जो चौथे दिन कमाई करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अपने चौथे दिन सब फिल्मों से ज़्यादा कमाई करने वाला फिल्म बन चुका है गदर टू फिल्म और 38 करोड़ 17 लाख रुपए की। पांचवें दिन फिल्म का कलेक्शन था 55 करोड़ 40 लाख रुपए का और छठे दिन फिल्म ने कमाया था 32 करोड़ 37 लाख रुपए और सातवें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा था 23 करोड़ 30 लाख रुपए। तो अपने पहले सात दिनों में गदर टू ने 284 करोड़ 65 लाख रुपए पूरे इंडिया से कमाई थी। तो वही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 370 करोड़ रुपए हो चुका था। आठवें दिन फिल्म